नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हरीशा व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं ये तीन चीज़ें शेयर करूंगी। तो आज सबसे पहले मैंने ये मक्खन के लिए ये मलाई जमाई थी। ये तकरीबन 7-8 दिनों की मलाई है जो दूध में ऊपर मलाई आती है, तो ऑब्वियसली वो हम नहीं यूज़ करते, तो उससे मैं निकाल के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और रोज़ निकाल के रखती हूँ तो 7-8 दिन में ये इतनी मलाई जमा हो जाती है, तो फिर मैं इसको दही डाल के जमा के और मक्खन निकाल लेती हूँ। तो ये मलाई तकरीबन बर्फ़ बनी हुई थी, तो मैंने बाहर निकाल के रख दी है रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, तो फिर इसमें मैं दही डाल लूँगी। और हमारी इस जमी हुई मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने के लिए 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सेवैयाँ और चीनी वगैरह निकाल के इसलिए रखी है क्योंकि दूध बचा हुआ था रात का, तो और कभी जमा लेती हूँ दही और कभी कुछ और कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि जो दूध बचा हुआ है इससे मैं दूध वाली सेवैयाँ बना लेती हूँ। तो बस वही मैंने चढ़ा दिया दूध, और गर्म होगा तो इसमें इलायची डालूँगी और फिर मैं चीनी भी डाल दूँगी। चीनी तकरीबन 1/4 कप है क्योंकि दूध हमारा है 1.5 पाव से आधा किलो के दरमियान। मैंने नापा नहीं मगर इतना ही होगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था दूध में, क्योंकि सेवैयाँ जो होती है वो काफ़ी पानी अब्ज़र्व करती हैं। तो अभी जब दूध में बॉयल आ गया तो मैंने सेवैयाँ डाल दी हैं, और बस 2-3 मिनट इसको मैं बस 2-3 मिनट का ही काम है। अब ये डोई में चलाती रहूँगी, मतलब मुसलसल तो नहीं मगर थोड़ी थोड़ी देर में, और बस 5 मिनट ही लगे हुए सारे प्रोसीजर में। और 5 मिनट में हमारी सेवैयाँ ये रेडी हो गई थी। मुझे ये सेवैयाँ बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मीठी सेवैयाँ होती है। तो अक्सर जब दूध बच जाता है तो मैं या तो दही जमा लेती हूँ या फिर इसी तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ, इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ दूध को, ताकि ख़राब ना हो और हमारी कुछ ना कुछ हमारी मज़ेदार डिश भी बन जाए। तो आज हमारी ये मेरा मूड हुआ सेवैयाँ बनाने का, तो ये बना रही हूँ और जल्दी भी बन जाती है, इसलिए मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। अभी मैंने जस्ट नाश्ता ही किया है और अभी मैंने सफाई वगैरह कुछ नहीं की। मैंने कहा पहले ये बना के रख लूँ ताकि जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं फ्री हो जाऊँगी इसे इंजॉय करने के लिए, और मलाई भी हमारी जब तक हो जाएगी नरम। तो बस ये तैयार है अब मैं, और उसके साथ ही मैंने आँच बंद कर दी थी। और थोड़ा सा इसे ठंडा होने के बाद इसे मैं ये डाल रही हूँ इसमें प्याली में, 2 प्यालियाँ ये क्योंकि इतनी ही बनी थी कि 2 प्यालियों में आ सके, और मैंने अपने हरीशा के लिए बनाई है, तो वो जब स्कूल से आएगी तो फिर हम दोनों से इंजॉय करेंगे। और वैसे तो घर में कोई और ज़्यादा इतना मीठा पसंद नहीं करता, हम दोनों ही करती हैं, तो बस मैंने अपने और हरीशा के लिए बना लिया था। और अब इसके बाद उसके बाद दीगर कामों से फारिग होने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और ये थी 10 स्लाइस 2 अंडे और 1 आलू है, और इनके कम्बिनेशन से मैं बनाऊँगी कबाब जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही देखे थे कहीं इसकी रेसिपी, तो मैंने सोचा मैं बना लूं। तो बस घर में ये चीज़ें मौजूद थी, तो बस मैं शुरू हो गई। मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनती हैं, और इत्तेफाक से अच्छी बन गई थी। और ये मैंने बॉयल करके रख लिए थे ये आलू और ये अंडे, और बस आलुओं को मैं मैश करूँगी, इसको कद्दूकस में निकाल लिया था आलू को बॉयल करके, और ये 2 अंडे हैं इनको भी छील लिया था बॉयल करके, इनको भी कद्दूकस करूँगी, इनको मैं मिक्स कर दूँगी। वो जो हमने ब्रेड का जो मिक्सर बना के रखा था, ब्रेड को भिगो के फिर उसको मैंने जो मिक्सर बनाया था उसी में ये सारी चीज़ें डाल दी, और बाकी वही रूटीन के मसाले, नमक मिर्च और ज़ीरा वगैरह इनको मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर इसके बगैर तो नहीं बन सकता, मिर्च भी होना चाहिए, नमक भी होनी चाहिए, और हाँ ये प्याज भी डालती बारीक काट के, और ये हरी मिर्चें भी और हरा मसाला भी था, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया था इनमें। और फिर इन सबको मिक्स करके मैंने टिक्कियाँ बना ली थी और फ्राई कर ली थी, और सारे प्रोसीजर में 10-12 मिनट ही लगे होंगे, जल्दी से बन गया था। और ये ज़ीरा डाल रही हूँ मैं, ज़ीरा है और क्या डाला था, ये ज़ीरा है, हाँ ये नमक है, और मैंने धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया था, मैंने ये मिर्च है, बस यही चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों को ऐड कर लिया था, और फिर मैंने इनको मिक्स किया था, टिकिया बनाई थी और फ्राई कर दी थी। और ये मैंने आटा भी डाला था 2 चम्मच, क्योंकि आटे से ये होगा कि ये जो एक्स्ट्रा पानी ये नहीं छोड़ेंगी हमारी टिकियाँ, और ये आटा इनको जोड़ के रखेगा, इनको बिखरने नहीं देगा, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच आटा डाल दिया था, फाइन आटा है ये। और बस अब जल्दी से फटाफट टिकियाँ बनाऊंगी और उसके बाद फ्राई कर लूँगी, और बस
और हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया ताकि ये चिपकने ना पाए, जो भी टिक्कियों का वो मिक्सचर है। बस फटाफट टिक्कियाँ बनाऊंगी और ये बहुत ही इतनी मज़े की बनी थी और उसे शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, मगर मैंने अभी लंच में बना ली थी। वैसे है तो शाम की चाय के साथ बनाई जाने वाली चीज़ ये, मगर अभी मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और साथ ही थोड़ा सा मैंने सलाद भी बना लिया था। और फिर इसको मैं तवे पे फ्राई करूँगी। तवे पे फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है, मतलब मुझे लगता है कि ये फ़ायदा है कि हम टिक्कियाँ फ्राई करके जो हल्की फ्राई होती जाए उनको साइड में रखते जाते हैं और बीच में दूसरी टिक्कियाँ डालते जाते हैं, क्योंकि ऑयल बीच में होता है, साइड्स में नहीं होता। तो वो साइड में जो रखती हैं टिक्कियाँ तो उनका ऑयल भी निकल के बीच में आ जाता है और टिक्कियाँ हमारी इतनी ऑयली नहीं होती। तो मैं मुझे तवे पे बनाना ज़्यादा ईजी लगता है, तो उसी में बना लेती हूँ और उसके बाद रोटियाँ बना लेती हूँ। तवे तो तवा भी साफ़ हो जाता है। तो बस ये जल्दी ही बन गई थी और शक्ल भी इनकी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अगर हम कोई खाने की चीज़ बनाते हैं उनकी शक्ल भी अच्छी हो, मतलब देखने में अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो फिर खाने में भी उसका स्वाद आता है, ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि पहली मुलाकात तो उनकी आंखों से ही होती है ना, आंखें देखती हैं पहले, फिर उसके बाद ज़बान इसका टेस्ट चखती है और फिर जाके पेट का मामला आता है कि पेट इसको हज़म करता है या नहीं। बहरहाल ये आसान सी रेसिपी है, इनको हम फ्रीज करके भी रख सकते हैं बनाकर, और एक आध हफ्ते तक तो चल ही जाती है और वैसे ही रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं आता इनके जायके में, बल्कि ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमारे आलू ब्रेड और अंडों के मिक्सचर वाले कबाब, और ये इसका फाइनल लुक हो, देखिए कैसे लग रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, सभी को अच्छे लगे थे जिन्होंने भी देखा। कलर में क्यों फ़र्क आ रहा मुझे नहीं पता कि पहले कोई और कलर था, कभी कोई और कलर है। बहरहाल हो सकता है लाइट का मसला हो, लाइट की वजह से कलर का फ़र्क आ गया हो। और इन सब के बाद ये नरम हो गई थी हमारी मलाई, और उसको मैं अब बस जमा रही हूँ। दही मैंने रखा साइड में, उसे और मलाई को जमाने के लिए दही थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ मैं, क्योंकि थोड़े से दही में नहीं जमता। हाँ, अगर दही जमाना तो वो तो थोड़े से छोटे से चम्मच से भी हो जाता है, मगर मलाई में मुझे 2-2.5 चम्मच डालने पड़ते हैं, उसके बाद ही अच्छे से जमती है। तो ये जमा रही हूँ, बस सुबह से मक्खन निकाला जाएगा। और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो जल्दी जम जाता है, और सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है इनको जमाने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, और क्योंकि इनको गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए जमने के लिए, तो गर्मियों में इसीलिए आसानी से जम जाता है, सर्दियों में नहीं जमता। सर्दियों में जमाते तो हम लोगों को टॉवल्स वगैरह में रखती हूँ साइड्स में, ताकि ये गर्म रहे, उसके बाद ही जमता है। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।